फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज 5 तारीख हो गया है, दिन है संडे का, सुबह का टाइम है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह उठकर संडे को थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे क्योंकि अब पूजा पाठ हमारा शुरू हो गया है। शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर आ गए हैं और जल लेकर आए, ऋषभ को पीने के लिए दिए। पी लिए ना? क्या जल नहीं पिलाए हैं? झूठ मत बोलो, झूठ बोलो कि पाप पड़ेगा, सही से बताओ, भगवान सुन रहे हैं। हाँ, तो इसको मैंने जल पिलाया और एक बेल पत्र लेकर आए शिव जी के मंदिर से, देख सकते खा रहे हैं, तो प्रसाद के रूप में इसको मैं खा रही हूँ। अब किचन में आ गए, लाइट चालू करो। तो यहाँ मैं चाय रख दी, एक तरफ दूध उबलने के लिए, एक तरफ चाय उबलने के लिए, पानी भर चुका है। हाँ, तो ऋषभ बोल रहा है कि मम्मी कल मेरे स्कूल में होली है। कल की ट्यूसडे को उस दिन छुट्टी रहेगा, छोटी होली को, कल ही रहेगा स्कूल में। तो बोल रहे कलर दिला दो, कलर दिला दो। तो हमको चलो देखते हैं। और पता है, मैं शिवालय गई थी, मंदिर गई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा है कि 12-1 बज रहा है, एकदम धूप। पहले ब्रश रगड़ के खिला कर देखो, तुम्हारा दांत पीला पीला हो रहा है, देखो कड़े तो है। तो बहुत कड़ा कड़ा धूप है और गर्मी का मतलब ऐसा लग रहा है, आलस लग रहा है, देख सकते हैं। अभी भी धूप देखिए कितना बेकार सा धूप लग रहा है। और संडे भी है, कुछ पानी कहाँ गिरा, कोई कपड़ा डाल रखा है, कुछ पानी आ रहा है। तो यहाँ पति देव नहा लिए हैं और कर रहे चड्डी पहन के घूम रहे हैं, नहाए तो चड्डी गंजी पहन के तो घूमेंगे ही। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के अंदर, चाय साय बना लेते हैं और आप लोग भी अपने घर में चाय साय पीजिए, इंजॉय करिए। और देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं, तब तक जुड़े रहिए, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो इसी बीच में हम चाय बना रहे थे, चाय पत्ती का डब्बा हम डब्बा बंद कर देते, अच्छे से बंद कर दे। रात को दूध पिए थे और चीनी का डब्बा ही नहीं बंद किए थे, उतार रहे थे, सारा चीनी देख सकते हैं जमीन पे, यहाँ सब गिर गया है। अब कितना सारा काम फैल गया है, अब इसको 4 घंटा सफाई करो। अब जब चीनी और दूध फैलता है किचन में तो बहुत गुस्सा आता है न ऋषभ? दूध में बस काछना रहते, इसको तो झाड़ना पड़ता है, बहुत गुस्सा लगता है। चलिए गाइस, इधर भी उबल सुबल रहा है, देखो पूरा। गाइस मार्केट गए थे और मार्केट से आ गए, शाम का क्लिप है। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाए, जो सामान लाए हैं कई किस्म का चिप्स वगैरह। अभी इतनी भीड़ थी मोबाइल लेकर नहीं गए थे क्योंकि मुझे पता है मार्केट में इतनी भीड़ चल रही है। पहले तो साग सब्जी ले ली ये बोले हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो सब्जी नहीं खाएंगे। यहाँ मैंने धनिया ले लिया है और मटर ले लिया है और प्याज लेकर आए हैं और कटहल लेकर आए हैं। ये मैंने 600 रुपए का आधा किलो चिप्स लिया, 6-7 किस्म का मिक्स करके, और ये मसाला गिरा है, धूर मिर्चा लवंग, और ये फिर 50 रुपए का एक जगह और ले लिया मैंने चिप्स। ये आलू ले लिया, देखिए एक तरफ रखते जा रहे हैं। ये 100 रुपए का गरम मसाला और भी सारे मसाले हैं। ये आधा किलो चना भूजा ले लिया, हमके पड़ा रहेगा, खाएंगे लोग। और ये ऋषभ लोग के लिए करल ले लिया और ये हींग। अभी तो हम ये टेम्परेजी वाला सामान इतना सा लेकर आए हैं, जो मुझे समझ में आया, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है जी। नहीं अभी होली खेलोगे? और ये 50 रुपए का बढ़िया सा कलर है और इसमें हर्बल कंपनी का, ये भी नहीं बड़ा तनमिश हुआ यार, 50 रुपया का 3 से दिया है, लेकिन इसमें हर्बल कंपनी का। हमने बोला सबसे अच्छा वाला कलर दीजिएगा जिससे कि बच्चों का चेहरा और हम लोग खराब ना हो। चलो बोलो। तो अभी ये सब सामान लेकर आए हैं, अब चल रहे हैं, इस टाइम बनाएंगे कटहल का सब्जी और रोटी बनाएंगे, सवेरे निमोना चावल रोटी बना देंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं ये सब काम निपटाने के बाद। तो सो गाइस, बरामदा में बैठे हुए हैं, अब जा रहे हैं ये कटहल की सब्जी बनाएंगे, 2 प्याजा मसालेदार, और फिर उसके बाद ये जो चिप्स वगैरह लेकर आए हैं ना, इसमें बहुत सारे मिक्स वाला चिप्स है, बहुत मार्केट में बाप रे कलर पिचकारी चिप्स यही सब मिल रहा था। तो मैंने आधा किलो जगह लिया और एक पौवा, अलग अलग दुकान पे जा रहे हैं, अलग अलग किस्म का मिल रहा है, हमने बोला ले लेते हैं।
वैसे एक एक पाव लेते तो बहुत ढेर सारा हो जाता, तो हमने मिक्स करके ले लिया है। और ये चना जो है इसको भुजा कर इसका मक लिट्टी पराठा जो बनता है बनाएंगे। रोज वही सब्जी रोटी दाल चावल खाते खाते हो गए हैं कि कुछ अलग से खाना बनाते हैं। और अभी मैदा सैदा ये इस दुनिया भर की जो गुजिया का सामान होता है वो सब तो बाकी है बहुत सारा सामान खरीदने के लिए। अभी हमारा मतलब कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है मैं अपने घर पे रहूं या किट्टो के घर पे रहूं अगर ज़्यादा सामान, इसीलिए सोच रहे कल लास्ट डिसाइड लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। और काफ़ी समय हो गया, रात को 9 बज गए, अभी तक हमारा ब्लॉग भी नहीं आया है। तो चलते हैं पहले फटाफट खाना बनाते हैं। और ये सब तो जिद कर रहा था बाज़ार में बैग वाला कौन सा कलर आता है पिचकारी आता है, बोल रहा था कहीं 300 का मिल रहा था कहीं 250 का, और किट्टो जहाँ रहती है वहाँ तो 500 का मिल रहा था। फ़र्क होगा भाई, 500 वाला जो होगा थोड़ा सा बढ़िया होगा, तू 250 वाला तो ऐसे नॉर्मल ही होगा। तो ये सब जिद कर रहा था हमके पापा आएंगे तुम्हारे फिर ले जाएंगे मार्केट से लेकर आएंगे। तो जो हमारे घर में काम का चीज़ था जो नहीं था मैं मार्केट से खरीद कर लेकर आई हूँ, और जो और सामान बाकी है पतिदेव के साथ जाएंगे। वैसे आज आने वाले थे जल्दी नहीं आए, तो हम कहे चलिए जो काम का चीज़ें लेकर आते हैं फिर कल जाएंगे मार्केट से लेकर आएंगे। और गुजिया गुजिया बनाएंगे, मठनी बनाएंगे, जो भी बनता है आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, सब काम निपटा कर मिलते हैं मार्केट में। होली के सीजन से मैंने लहसुन पूछा कितने पाव, बोल रहे हैं 40 रुपये पाव। तो हमारे पास इतने लहसुन पड़े थे, तो अब जानते हैं होली पे बहुत सबके घर में आई क्या करोगे। अच्छा कलर कलर मत खेलना अभी, ठीक है क्या एक तो खोल दे। नहीं खोलना मत, इस सब गंदी बात होती है। अब किट्टो के घर से आएंगे तो साग सब्जी मंगाएंगे ढेर सारा अपना, अभी जो है उसी में काम चला रहे हैं। रख देते हैं, पति देव आएंगे इसको छीलेंगे और लहसुन वहसुन छील लेते हैं। और पता है इस कटहल को हमने छोटा छोटा भागों में कटवाया है, और दो प्याजा बनाएंगे इसका। सोनाची एक बार ले रहे थे, सोनाची बोले हम नहीं खाएंगे, हम क्या सब्जी खाओगी, तो बोली है कि अच्छा ले लो खा लेंगे। तो यहाँ देखिए छोटा छोटा भागों में कटहल भी कटवा लिया है और इसका सब्जी बनाएंगे। और ज़्यादा सब्जी लेकर नहीं आए क्योंकि डिसाइड नहीं है कि हम अपने घर पे रहूँ या कहीं रहूँ, जो हमको काम का चीज़ था वो सब्जी वगैरह लेकर चले आए हैं। सब्जी की छटैया कर लेते हैं, प्याज आलू तो सबको मतलब ज़रूरी होता है, तो 1 किलो प्याज 1 किलो आलू ले लिए थे, ऐसे पन्नी करके रखते हैं। और प्याज इधर पुराना वाला है जो टोकरी सोकरी गंदा है, इसको साफ करके रख देते हैं। और यहाँ मैं मसाला अपना इंतज़ाम कर लेती हूँ, थोड़ा टोकरी भी साफ कर देती हूँ। फटाफट खाना बनाते हैं और खाना बनाकर खाते हैं। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।